पैसा दोगुना करने के नाम पर धोखा। वो कहते थे बोले दोगुना करेंगे, 5 साल में दोगुना मिलेगा। गरीबों का करोड़ों रुपए ले उड़ी कंपनी। 50,000 कितना समय हो गया? 6 साल। अब पैसों के लिए भटक रहे हैं बेचारे। ये मेरी एफडी थी पल्स में 50,000 की, जो अभी तक मुझे नहीं मिली है। आखिर कौन करेगा इनकी मदद? तो ऐसी कंपनियां हैं, ये गरीब लोगों को जो जानकार नहीं है उन्हें भरोसे में लेके कि पैसा डबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। चिटफंड कंपनियां लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेती है। सैकड़ों लोगों की इस भीड़ को देख रहे हैं आप, ये सभी चिटफंड कंपनी के शिकार हुए हैं। एक चिटफंड कंपनी जिसने कुछ सालों में पैसा डबल करने का झांसा देते हुए गरीबों से पैसा जमा करवाया और जब पैसा वापस करने की बारी आई तो कंपनी भाग खड़ी हुई। ये मेरी एफडी थी पल्स में 50,000 की, जो अभी तक मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं आज लाइन में लगा हूँ। उसके कागज जमा हो रहे हैं सर। खाली एफडी का बॉन्ड था मेरे पास और मैंने फिर उसमें आधार लग रहा है और बैंक की किताब लग रही है और फॉर्म भरा जा रहा है, वो सब लगा के यहाँ पे फोटो लगा के दिया जा रहा है। कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या है, देखते हैं। पहले ऑनलाइन भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। अब ये कब से लगे हैं लाइन में? मुझे हो गया लगभग 2-2.5 घंटे। धोखेबाजी की सच्ची दास्तां बयां करता ये मामला बरेली के मीरगंज तहसील से आया है, जहां मौजूद दर्जनों गांव में रहने वाले हजारों लोगों ने पल्स नाम की कंपनी में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी। कंपनी ने कुछ सालों में पैसा डबल करने का झांसा दिया और ये सारे के सारे इस झांसे में फंस गए। सभी ने अपनी गाढ़ी और मोटी कमाई जमा कर दी, लेकिन जब पैसा मिलने का वक्त आया तो कंपनी रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद से ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन इसी बीच SDM धर्मेंद्र कुमार को इस बात की जानकारी हुई, लिहाजा उन्होंने सरकारी नियमों के हिसाब से मीरगंज तहसील में काउंटर लगवाए और सभी ग्रामीणों से उनके FD के कागज जमा करने को कहा, ताकि कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए सभी का पैसा वापस कराया जा सके। 50,000 कितना समय हो गया? 6 साल। कैसे कैसे करके दिया था? किस्तों में। कितने कितने? 8,000। 1,400 रुपए। कैसे, क्या कुछ कहते थे? बोलो। वो कहते थे बोले दोगुना करेंगे, 5 साल में दोगुना मिलेगा। 5 साल में? 5 साल में तो कुछ भी नहीं मिला? नहीं कुछ। किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पे? इस उम्मीद से आए, फॉर्म जमा हो रहा है कि भविष्य में पैसा मिल जाएगा, हमारे काम आएगा। ग्रामीणों ने बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने निवेश के सभी कागजात जमा करने शुरू कर दिए। पहले दिन ही करीब 200 से ज्यादा लोगों ने अपने कागजात जमा किए, तो वहीं अगले दिन करीब 500 लोग तहसील पहुँचे। इसमें उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अंतर्गत ऐसी कंपनियां और ऐसे चिटफंड्स जिन्होंने लोगों से पैसे जमा कराए थे और आज की डेट में वो क्रियाशील नहीं है, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो उपभोक्ता के संरक्षण हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत तहसील में 5 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें लोगों से जो बीमा पॉलिसी और जो उन्होंने बॉन्ड्स ले रखे हैं उनसे संबंधित कागज़, उनका आवेदन पत्र, उनकी ID, बॉन्ड की फोटोकॉपी, ये हम जमा करा रहे हैं, जिससे कि जो उनके व्यक्ति उनके हितों का संरक्षण किया जा सके और एक अनुमान लगाया जा सके कितने लोगों का पैसा ऐसे स्कीमों में लगा हुआ है। अब तक कितने लोग लगभग आ रहे हैं? लगभग 200 से 300 लोग कल आए थे और ये संख्या जो है, चूँकि काउंटर कल से ही शुरू हुआ है तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। आज लगभग 400 से 500 लोग आएंगे और 400 से 500 फॉर्म जमा होने की संभावना है। क्या वो ऐसी कंपनियां हैं, ये गरीब लोगों को जो जानकार नहीं है उन्हें भरोसे में लेके कि पैसा डबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, चिटफंड कंपनियाँ लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेती हैं, तो ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए, ऐसे लोगों के हितों के संरक्षण के लिए ही उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 आया है। तो सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि लोगों को इस बारे में जानकारी भी दी जाए, उन्हें सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। फिलहाल तहसील में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ अब ग्रामीणों को पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी जग गई है। बरेली से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ सनी गोस्वामी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।